समाज सेवियों ने कराया नगर में सैनिटाइज। जी हां, बरेली के नवाबगंज में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में नगर को सैनिटाइज कराने के सरकारी फरमानों का नगर परिषदीय बोर्ड पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। कोरोना महामारी के इस दौर में भी परिषद की सुपेक्षा से नगरवासी त्रस्त हैं, लेकिन नगरपालिका परिषद को इससे कोई लेना देना नहीं है, जिसके चलते नगर के कुछ समाजसेवियों ने ओसवाल चीनी मिल के सहयोग से नवाबगंज में सैनिटाइजेशन कराना शुरू कर दिया है। इसी के चलते मिशन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राकेश कंगवार, सभासद संतोष गुप्ता, सोनू राठौर व श्याम रस्तोगी आदि ने नगर की सभी गलियों व मार्केट में सैनिटाइजेशन कराया और लोगों से कोरोना महामारी से सावधानी बरतने की अपील करते हुए लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की। देखिए A1 न्यूज इंडिया के लिए नवाबगंज से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं राकेश कुमार गंगवार जी। मिशन पब्लिक स्कूल, आज जो सैनिटाइज कराया जा रहा है किसके माध्यम से कराया जा रहा है? ये दवाई जो है वो सुगट उत्पाद चीनी मिल ने दी है और ये ट्रैक्टर और जो मैन पावर है इसका जो सब है वो हमारी तरफ से कराया गया है। अच्छा, कब से शुरू किया आपने ये? ये 3 दिन हो गया, आज तीसरा दिन। कब तक चलेगा ये? जब तक पूरा नगर नहीं हो जाएगा, सारे बॉर्डर मोहल्ले नहीं जाएंगे, तब तक चलता रहेगा। जानना चाहेंगे नगर पालिका के द्वारा कुछ कराया जा रहा है? नगर पालिका का केवल टैंकर है, ये खाली टैंकर और कुछ नहीं है, कोई सहयोग नहीं नगर पालिका से। जी, आप सभासद भी हैं, जानना चाहेंगे नगर पालिका से क्या सहयोग है इसमें? इस समय वर्तमान में और काफ़ी समय से नगर पालिका से कोई भी ना सहयोग नगर की जनता को मिल पाया है और ना ही मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे गंदगी के अटम्बार लगे हुए हैं। कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं मिलती है, अब भी 3-3 महीने की कर्मचारियों की तनख्वाह बाकी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हठ धर्मता, जो नगर पालिका चेयरमैन अपनी ईगो के लेके, जो उनके और SDM साहब श्री वेद प्रकाश जी के जिनको ईगो का चार्ज मिला है, इन लोगों पर आपसी तालमेल नहीं बैठ पा रहे हैं, इसलिए नगर की जनता बहुत परेशान है। गंदगी के अटम्बार लगे हुए हैं, पवित्र महा चल रहा है, हमारे लोग दुर्गा भी चले थे हिंदू समाज के, लेकिन कोई भी सफाई व्यवस्था नहीं हो पाई। आज भी हमारे मुस्लिम भाई भी अगर नगर में निकलते हैं, जो अंदर कस्बे की बस्ती है वहाँ पे रोड इतने खराब है, नालियों में पानी भरा हुआ है, रोडों पे चल रहा है, नमाज पढ़ने जाते हैं उसमें भी दिक्कत होती है, वहाँ पे हिंदू बस्ती भी है, अगर वो मंदिर पे पूजा करने जाते हैं तो वो गंदी नालियों में पानियों से निकल के जाना पड़ता है। ये सैनिटाइजेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है ये सभासदों द्वारा या नहीं? इसको केवल एक समाज सेवा के तौर पर और हमारे ज़िले में हमारे जिला अध्यक्ष माननीय पवन शर्मा जी ने कहा था कि आप लोग सामाजिक लोग हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, आप लोग श्री राकेश गंगवार जी जो मिशन पब्लिक स्कूल के MD भी हैं और वर्तमान में ओसवाल चीनी मिल से डायरेक्टर भी हैं, तो हम संतोष गुप्ता जिला कार्यालय मंत्री भाजपा बरेली से और मेरे बड़े भाई राकेश जी, मेरे बड़े भाई श्री श्याम रस्तोगी जी जो इस समय वर्तमान में भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं, मेरे भाई भाजपा के नगर उपाध्यक्ष हैं, ये सभासद हैं हमारे सोनू राठौर साहब, हम लोगों ने एक मिलके ये योजना बनाई कि नगर में हिंदू और मुस्लिम जो 25 वार्ड हैं, तो एक मानवता के तौर पर लेकर समाज को लेकर जागरूक हुए और हम लोगों ने बीड़ा उठाया कि पूरे नगर को सैनिटाइज़र कराना है, क्योंकि इतनी भयंकर जो बीमारियां चल रही हैं, कोरोना महामारी चल रही है, बहुत सी मौतें हो चुकी नगर के अंदर, लेकिन यहाँ पे नगर पालिका से ना तो ईओ साहब और ना नगर पालिका चेयरमैन ना उनके परिवार के लोग कोई भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे कि जनता मरे या जिंदा रहे, उनको केवल चुनाव में एक मुद्दा मिल जाता है अपने समाज को लेके भड़काने का, जिससे वो नगर पालिका का चुनाव लड़ती है।
लेकिन हम लोग सामाजिक लोग हैं, हमारे लिए हिंदू भाई और हमारे मुस्लिम भाई सभी एक समान हैं और हम नगर में सभी को लेकर एक साथ चलते हैं। नगर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का काफ़ी भय देखने को मिल रहा है। हाँ, लेकिन अब जो नए वर्तमान में जो प्रधान जीत के आए हैं, वो चाहे पार्टी के हों या किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, वो लोगों भी इस समय सैनिटाइजर के लिए, अभी मैंने पेपर के माध्यम से देखा था कि दो गांव में सैनिटाइजर शुरू करा दिया प्रधान लोगों ने। लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि है, मुझे लगता है सभी लोग जागरूक हैं, किसी पार्टी से हो लेकिन वो इंसानियत और मानवता को लेकर, समाज को लेकर जागरूक हुए हैं, इसलिए वो अपने देहात क्षेत्रों में भी सैनिटाइजर की प्रक्रिया चालू करा दी है। जनता को क्या संदेश दें? जनता तो यही, कोरोना में लॉकडाउन का पालन करें, घर से ना निकलें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। कोई बहुत अधिक अनिवार्य कार्य है तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें, सुरक्षित रहें। जानना चाहेंगे आप? मैं भाजपा का नगर अध्यक्ष श्याम रस्तोगी। सैनिटाइजेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, नगर की जनता बहुत त्रस्त है गंदगी से, कोरोना की महामारी फैली हुई है। नगर से सभी लोग जो खून में आ रहे थे, शराब को करिए, क्योंकि नवागुण नगर पालिका बिल्कुल निष्क्रिय है। मैंने एडजीएम साहब को दो बार फोन लगाया, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। तो हमने और संतोष गुप्ता जी ने हम लोगों से लोगों ने ग्रुप बनाया, राकेश जी से मुलाकात की हम लोगों ने, राकेश जी के माध्यम से फैक्ट्री से हम लोगों ने दवाई ली और टैंकर नगर पालिका देकर पूरे नगर में पूरे 2500 वार्डों में हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं। कब तक रहेगा ये? जब तक पूरा नगर ना हो जाए। सनु जी, जानना चाहेंगे आज जो आपने पहल शुरू की है, क्या कहना चाहिए? जो 3 दिन से चल रही है, इसका श्रेय मैं राकेश जगमाल जी को देना चाहता हूँ, जो मिशन स्कूल के डायरेक्टर हैं और ओसवाल चीनी मिल के डायरेक्टर भी। ठीक है, उन्होंने ये बीड़ा उठाया नवाबगंज जनता के बारे में, क्योंकि नवाबगंज एक तरीके से अनाथ हो गया था। माननीय विधायक जी दोनों पहले काम करा देते थे नवाबगंज में, उनके जाने के बाद फिर एकदम अनाथ सा हो गया। और इस कोरोना महामारी में नगरपालिका द्वारा लगातार अनदेखी, कूड़ा ना उठना और कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना, अभी 4-5 दिन से फिर से कूड़ा उठना बंद हो गया है क्योंकि गाड़ियों में तेल नहीं बन रहा। इस तरीके से राकेश भैया ने सोची नगर को सैनिटाइज कराया जाए, तो इन्होंने अपनी मैन पावर लगा के, ग्रुप बना के, अपनी मैन पावर लगा के सैनिटाइजर ओसवाल मिल से उपलब्ध करा के पूरे नगर को सैनिटाइज कराने का इन्होंने बीड़ा उठाया। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? अजित गुप्ता, नगर पालिका जी। इसमें आप लोगों को क्या सहयोग है? सहयोग क्या है, हम सब मिलकर चाहते हैं कि नवाबगंज से कोरोना को दूर भगाएं, और इसमें हमारे बड़े भाई राकेश तिवारी का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने सैनिटाइजर और बाकी मैन पावर अवेलेबल कराई और हम लोगों का साथ पूरे नगर को सैनिटाइज किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि ये महामारी जल्द से जल्द हमारे नगर से दूर हो।